आज मैं बना रही हूँ पुरुषोत्तम मास स्पेशल मालपुए, जो भगवान पुरुषोत्तम को उद्यापन में सभी लोग चढ़ाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपी मिलती रहे। आज मैं गेहूं के आटे के मालपुए बना रही हूँ। इसके लिए ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप गुड़, बराबर मात्रा में लेना है। अब हम एक बर्तन लेके उसमें गुड़ डाल देंगे और उसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। मैंने ठंडा पानी लिया है, आप चाहो तो गर्म पानी भी ले सकते हैं। अब हम 1 चम्मच से इसे मिलाते जाएंगे, जब तक गुड़ ना गल जाए तब तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप गैस के ऊपर रख के गर्म करके भी इसे मेल्ट कर सकते हैं ताकि जल्दी गल जाएगा गुड़। आप देख सकते हैं कि मैंने बिना गर्म किए ही इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखो मेरा गुड़ एकदम मेल्ट हो गया है और एकदम पानी रेडी है। अब हम गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ में नहीं डाला, नहीं तो अंदर गांठें रह जाती है, और चम्मच से अच्छे से हिलाते जाएंगे। वैसे तो मैदे के भी बनते हैं लेकिन मैंने गेहूं के आटे के बनाए क्योंकि ये अच्छे भी बनते हैं, टेस्टी भी होते हैं और खाने में भी हेल्थी रहते हैं। मैंने गुड़ लिया है, आप चाहो तो शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी में लेना है, उसको भी इसी तरह से मेल्ट करना है। देखिए मैंने सारा आटा डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है और एक अच्छा सा घोल बना दिया है। देखिए घोल अब हमारा जाड़ा है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक अच्छा बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए मेरा मालपुए का घोल बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल गांठे नहीं रही है। अब हम एक ढक्कन देके इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए 3 से 4 घंटे हमारे मालपुए के घोल के हो गए हैं। हम 3 से 4 घंटे इसलिए रखते हैं कि ताकि मालपुए बनने में जालीदार और बड़े ही सॉफ्ट बनते हैं। अब इसमें 10 से 15 हम साबुत काली मिर्ची डाल देंगे और 1 चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मालपुए की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अगर आपको मोटा लगे तो थोड़ा पानी डालकर भी आप इसे पतला कर सकते हैं। अब हम एक पैन लेकर उसमें घी डालते हैं, उसे हाई फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए घी अब हमारा बिल्कुल गर्म है। अब हम 1 चम्मच से एक ही बार में मालपुए का बैटर डालेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। और देखिए अब हमारा मालपुआ एकदम घी छोड़कर ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी बनी है। अगर आपने फुल आँच रखी तो आपका मालपुआ साइड से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब हम इसे धीमी आंच में अच्छे से पकने देंगे और 1 चम्मच से घी को थोड़ा ऊपर डाल देंगे ताकि अंदर से अच्छे से सिक जाएगा, और हिलाते जाएंगे मालपुए को। अगर आपने घोल को जाड़ा रखा तो आपका मालपुआ कच्चा रह जाएगा, और पतला रखा घोल को तो आपका मालपुआ अंदर जाते ही टूट जाएगा। अब हम 1 चिमटा लेके मालपुए को पलट लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मालपुए में कितनी अच्छी जाली पड़ रही है और कितना अच्छा कलर भी आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि साइड के किनारे भी लाइट लाइट ब्राउन हो गई है और अंदर से भी बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। अब हम 1 चिमटे से पकड़कर 1 प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह से अब मैं सारे मालपुए बना दूंगी। इसी तरह से आप भी सारे मालपुए बनाइए और भगवान पुरुषोत्तम को भोग लगाइए अपने उद्यापन में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।